जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड के बारे में जिसका नाम है एटीएम कार्ड। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा और बहुत सारे लोग इसका यूज़ भी करते होंगे, लेकिन जो लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं आज वो इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये एटीएम कार्ड क्या होता है, इस एटीएम कार्ड का यूज़ क्या होता है, इस एटीएम कार्ड को आप कहाँ से और कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एटीएम कार्ड होता है ये बेसिकली एक पेमेंट कार्ड होता है जो आपको बैंक द्वारा तब दिया जाता है जब आप बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, एक बचत खाता खुलवाते हैं। जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तभी आपसे एक एप्लीकेशन, एक फार्म वहाँ पर भरवाया जाता है और उसमें एक एटीएम कार्ड का भी एप्लीकेशन होता है जिसमें आप ये भरते हैं कि हाँ मुझे एटीएम कार्ड की रिक्वायरमेंट है और बैंक द्वारा मुझे ये एटीएम कार्ड इस बैंक का दिया जाए। इसके बाद दोस्तों बैंक आपका खाता खोलता है और आपको एक एटीएम कार्ड देता है। लेकिन अब यहां इस एटीएम कार्ड को आपको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसका पिन बनाना होता है जो कि एक 4 डिजिट का पिन होता है, 4 डिजिट का पिन होता है। कई बार यह पिन आपको बैंक द्वारा भी दिया जाता है लेकिन कई बार यह पिन आपको खुद से एटीएम मशीन पर जाकर बनाना होता है। अब दोस्तों यहां पर एक बार आपके पास ये एटीएम कार्ड जब आ जाता है तो इससे आप इसका जो मुख्य काम है वो यहां पर आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम इस एटीएम कार्ड का यूज करके क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला काम, आप इस एटीएम कार्ड को यूज करके किसी भी एटीएम मशीन से यहां पर इसके जरिए आप अपने खाते में जो आपके पैसे पड़े हैं उनको निकाल सकते हैं, यानी कि कैश विड्रॉल यहां पर इस एटीएम कार्ड का यूज करके आप कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर दूसरा यूज इसका यह है कि अगर आपको अपने खाते का, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो वो भी यहां पर आप अपने एटीएम मशीन पर जाकर एटीएम कार्ड के थ्रू बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अपने खाते की पिछले 4 से 5 ट्रांजैक्शन का विवरण जानना चाहते हैं, स्टेटमेंट जानना चाहते हैं जिसको हम मिनी स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, इसको भी आप एटीएम कार्ड की मदद से यहां पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर आपको किसी को मनी ट्रांसफर करना है एटीएम मशीन का यूज करके, ये भी काम आप एटीएम कार्ड के थ्रू यहां पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि एटीएम कार्ड के थ्रू आप उनके बैंक में पैसे भी डिपॉजिट करा सकते हैं एटीएम मशीन के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, जो बैंक इसको सपोर्ट करते हैं उन बैंक का एटीएम कार्ड यूज करके आप अपने मनी को डिपॉजिट भी यहां पर कर सकेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि जो डेबिट कार्ड हम यूज करते हैं और जो एटीएम कार्ड मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों एक ही तो हैं, तो फिर इनके नाम अलग अलग क्यों? लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों कार्ड की जो फंक्शनैलिटी है, यानी कि जो इनका काम करने का तरीका है, वो अलग अलग है। इनके बहुत सारे फीचर्स आपस में मिलते हैं लेकिन कंप्लीटली ये डिफरेंट कार्ड होते हैं। एटीएम कार्ड अलग होता है और डेबिट कार्ड अलग होता है। एटीएम कार्ड की खासियत ये है कि एटीएम कार्ड का यूज सिर्फ आप एटीएम मशीन पर ही कर सकते हैं, एटीएम मशीन के बाहर इसका कोई भी यूज आप नहीं ले सकते। वहीं डेबिट कार्ड को आप एटीएम के साथ यहां पर बाहर भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये एटीएम कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड के यूजेस क्या होते हैं और एटीएम कार्ड आपको कहां से और कैसे मिलता है। तो दोस्तों यहां पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।